बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रमज़ान अल मुबारक के तीसरे अशरे की दुआ, और दोस्तों रमज़ान अल मुबारक में तीसरे अशरे में क्या पढ़ना चाहिए मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों अगर आप मुसलमान भाई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और दोस्तों चलिए दोस्तों टाइम भी नजर आए क्या, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो तीसरे अशरे की दुआ है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन दोस्तों तीसरे अशरे में क्या करना चाहिए ये पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि तीसरे अशरे में दोस्तों जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो इबादत करते थे। दोस्तों जो दो अशरे पहले, पहला अशरा और दूसरा अशरा है, इसमें भी दुआ ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। दोस्तों जो ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा अशरा है ये, इसमें बहुत ही ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। दोस्तों बहुत ही अहम महीना है, इसमें आपने तीसरे अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपके साथ दुआ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों जो दुआ है दोस्तों ये है अल्लाहुम्मा इजिरनी मिनन नार। दोस्तों मैं आपके साथ दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अल्लाहुम्मा इजिरनी मिनन नार। दोस्तों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों जो आपको तस्वीर भी आपने करनी हो तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तस्वीर का, आप तस्वीर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली मरतबा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।